Students, today we will start our new chapter. Chapter number 2, uses of computer. In our earlier videos, I taught you why computer is called a smart machine. हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन कैसे है और कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. तो why computer is a smart machine? कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन क्यों है? Because computer do many kinds of work. कंप्यूटर बहुत सारे work कर सकता है. That is why it is called a smart machine. Now we will discuss what are the uses of computer. आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं? ओके, सबको घर पे पढ़ाई करते रहना है. जो जो मैम आपको वर्क देती जा रही हैं, यू हैव टू लर्न इट. आपको उसको लर्न करना है. ओके, सो uses of computer. You can do many things on a computer. Look at what these children are doing. Look into the picture. Children in the class are playing games on a computer. They are playing different games such as car racing, word games, and solving jigsaw puzzles. These students are playing games on a computer. जो ये बच्चे हैं, ये कंप्यूटर पे क्या खेल रहे हैं? गेम्स खेल रहे हैं. So the first use of computer is we can play games on a computer. सबसे पहला use हो गया कि हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं. Next is Salim is solving sums on a computer. Next picture is Salim is solving sums on a computer. सलीम क्या कर रहा है? सलीम सम्स सॉल्व कर रहा है. इन दिस पिक्चर द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. इन दिस पिक्चर सलीम इज सॉल्विंग सम्स सॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट, वरुण इज टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर. वरुण क्या कर रहा है? लेटर टाइप कर रहा है. एंड इन द फोर्थ पिक्चर प्रियंका इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म ऑन अ कंप्यूटर. यू कैन ऑल्सो वॉच अ मूवी ऑन द कंप्यूटर. तो जो ये प्रियंका है, ये कार्टून मूवी देख रही है कंप्यूटर पे. सो देयर आर फोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर. अभी तक हमने इसमें क्या हमें पता चला? कंप्यूटर के फोर टाइप्स पता चले. फर्स्ट वन इज़ वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. सेकेंड इज़ वी कैन सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर. थर्ड इज़ वी कैन टाइप लेटर ऑन अ कंप्यूटर. एंड वी कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर. ओके, सो हमें चार यूजेस पता चल गए. नेक्स्ट, डैनी इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन अ कंप्यूटर. ये डैनी बॉय है, ये क्या कर रहा है? डैनी आपका पेंटिंग कर रहा है. नेक्स्ट, नेहा इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर. नेहा म्यूज़िक लिसन कर रही है, सुन रही है म्यूज़िक. समीर इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर टू स्टडी. समीर स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है. महक इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर टू बुक अ फ्लाइट टिकट. जो ये महक लड़की है, ये टिकट बुक कर रही है एरोप्लेन की. You can also book a train ticket or the ticket for a film on the computer. आप ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं, या आपको कोई मूवी देखने जानी है उसकी भी टिकट आप बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट, आयशा इज़ सेंडिंग एन ईमेल मैसेज टू हर फ्रेंड ऑन अ कंप्यूटर. आयशा अपनी फ्रेंड को ईमेल सेंड कर रही है. नेक्स्ट, नीना इज़ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर. शी इज़ स्टोरिंग अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स शी वॉन्ट टू इन्वाइट ऑफ फॉर हर बर्थडे पार्टी. नीना इज़ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. नीना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है. वो एक लिस्ट बना रही है अपने फ्रेंड्स की, जिनको उसे अपने बर्थडे पे इन्वाइट करना है. सो वी सी देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेज ऑफ कंप्यूटर. हमने ये देखा कि कंप्यूटर के कितने सारे यूजेज हैं. कंप्यूटर में हम गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और कंप्यूटर पे हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, ट्रेन की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं. एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. नाउ सी दिस वर्कआउट. इसमें क्या है? दिस इज़ योर वर्क. ये आपका वर्क है, ये आपको करना है.
कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपके घर में कुछ रफ कॉपीज होंगी, आपका क्या वर्क है, आपके घर में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं या जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं उनमें से आपको कुछ पिक्चर्स निकालनी है, जिनमें वो पिक्चर जिनमें लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हों, और उनको आपको एक प्रॉपर अच्छे से उसको डेकोरेट करना है। ओके, सो दिस इज़ योर वर्क, ये आपको करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, सो डू दिस वर्क दैट आई हैव गिवन टू यू, ये आपको वर्क करना है। नेक्स्ट इन नेक्स्ट टॉपिक आई विल कंटिन्यू दी चैप्टर। ओके, बाय बाय।